हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पकोड़े वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी। राज्यसभा में बोलते हुए शाह ने कहा कि बेरोजगारी से बेहतर ये युवा पकोड़े बेचे। इस बयान पर हंगामा शुरू हो गया है। कांग्रेस सहित तमाम दलों ने प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि हाँ, जुमला झूठ और झोसा बेचने से तो लाख गुना बेहतर है पकौड़ा बेचना। आप नेता आशुतोष ने लिखा कि बेरोजगारी से अच्छा है युवा पकौड़े बेचे। अमित शाह का प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन आज उनकी ईमानदारी का कायल हो गया। संसद में माना कि मोदी सरकार रोजगार देने में नाकाम रही, इसलिए युवा पकौड़े बेच रहे हैं। अच्छा होता वो ये भी बताते कि धनिया बेचकर युवा कैसे करोड़ों कमा सकता है। राजद सांसद डॉक्टर मीसा भारती ने लिखा कि बेशक पकौड़े बेचना बेरोजगारी से बेहतर है, पर कोई सरकार इसमें श्रेय ले सकती है? यह मजबूरी का रोजगार है, स्वेच्छा का नहीं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर तमाम यूजर अमित शाह की बात पर चुटकियां ले रहे हैं। राजीव शर्मा ने लिखा कि पहले प्रधान सेवक पकौड़ा बिकवा रहे थे, अब अमित शाह जी भी पकौड़ा बिकवाने लगे हैं। अब तो बेशर्मी की हद हो गई है इस सरकार की, जो युवाओं को रोजगार तो दे नहीं पा रही है और उल्टा उनका मजाक भी बना रही है। बीएसपी यूथ नेता देवाशीष ने लिखा कि दीजिए तो यह तय हो गया, आज प्रधानमंत्री मोदी के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बता दिया कि बेरोजगारों को अब पकौड़े ही तलने चाहिए, क्योंकि रोजगार और स्वरोजगार के नाम पर इनके पास पकौड़ा से बढ़कर कोई समाधान नहीं है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल माइंड द न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।